Hello everyone, I'm Neha and I hope you all are doing really good, especially 12th class K students. So coming back to our main agenda, let's cover the remaining topics of our psychology's first chapter, that is variations in psychological attributes. So हमने first part में basically introduction कर लिया था, individual differences in human functioning कर लिया था जिसमें हमने variability, situationism etc. पढ़ा था. फिर हमने psychological attributes का एक introduction के साथ उनकी assessment क्यों की जाती है और उनकी assessment कैसे की जाती है जिसमें formal and informal assessment थी. Then assessment के कुछ methods थे जिसमें basically 5 methods हमने discuss किए थे जिसमें observation, self study, case study etc. self report etc. हमने पढ़े थे. और हमने एक intelligence का एक शॉर्ट जस्ट ले लिया था कि उसको डिफाइन कैसे किया जाता है. सो आज के सेशन में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे जिसमें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्राइआर्किड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पास मॉडल जो अभी आगे आप पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज हैं जिसपे हम एक इंसाइट ले लेंगे. लेट्स हैव एन इंसाइट ऑन ऑल दोज थ्योरीज. सो हियर वी गो. फाइन. सो इन इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था कि एक बेसिक डेफिनेशन हमने ले ली थी कि इंटेलिजेंस है क्या. बेसिकली ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कभी कभार, मतलब इट्स लाइक जो भी इन्विजिलेटर्स या जो भी एग्जाम बना रहे होते हैं उनका एक टॉपिक, एक फेवरेट टॉपिक है इंटेलिजेंस. तो इसकी डेफिनेशंस आप वेल वर्स कर लीजिए. वी वेल वर्स्ड विद दीज डेफिनेशंस और अच्छे से मतलब समझ के उसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिखिए. तो बेसिकली दीज वर द डेफिनेशंस जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिफाइन किया कि इंटेलिजेंस क्या है. इट इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग. अल्फ्रेड बिनेट ने किया इंटेलिजेंस को डिफाइन एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल. एंड वेशलर एक और साइंटिस्ट और रिसर्चर हुए, उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस, टेक इंटेलिजेंस एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to think rationally, act purposefully, and deal effectively with his or her environment. All these psychologists हुए जैसे कि गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस जो है दैट इज नॉट ओनली कि वो एनवायरमेंट में अडेप्ट करे बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज इट और शेप इट. मॉडिफाई और शेप क्यों करेगा? अपने पर्पस सर्व करने के लिए या कोई बेनिफिट लेने के लिए एटसेट्रा. सो बेसिकली इंटेलिजेंस को यही कहा गया है कि आपका माइंड जो कि किस तरह से एनवायरमेंट में अडेप्ट करता है, किस तरह से एनवायरमेंट से चीज़ों को परसीव करता है, सिचुएशंस को परसीव करता है, उसको कैसे उससे सीखता है, उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद अपनी नॉलेज इन्हांस करके उसको अपने बेनिफिट के लिए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए और अल्टीमेटली वर्ल्ड के बेनिफिट, प्लैनेट के बेनिफिट के लिए कैसे यूज करता है ऑन द होल. So next point is our theories of intelligence. Theories में कुछ हैं, मतलब अभी आप देखेंगे कि दो बेसिस पे हमने, दो approaches के बेसिस पे researchers ने theories बनाई हुई हैं. Theories basically बनाई इस तरह से आती हैं कि एक researcher होता है, he gets an idea, he observes something और कुछ नया observe करता है वो nature में, प्रकृति में और आसपास अपने environment में. और फिर वो सोचते है कि ये क्यों हो रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है. बहुत सारी केस स्टडीज करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उनकी हाइपोथेसिस कुछ बनती है, उसके बाद जाके कहीं सबके सामने अपने वेल एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल होते हैं उनको प्रेजेंट करके फैक्ट्स रखता है और अपनी थ्योरी बनाता है. उस थ्योरी को अगर कोई दूसरा चैलेंज कर देता है तो एक नई थ्योरी आ जाती है. कुछ थ्योरीज ऐसी होती है जो यूनिवर्सल, मतलब जो आज तक भी चली आ रही है, किसी ने उनपे क्वेश्चन नहीं किया है. तो इसी तरह इंटेलिजेंस पे भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने थ्योरीज बनाई, जिन्होंने इंटेलिजेंस को मेन पॉइंट रखकर इंटेलिजेंस को स्टडी किया और इंटेलिजेंस है क्या, उससे रिलेटेड चीजें, और उसके बेसिस पे बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंस हमारे अंदर डेवलप होती है, क्यों डेवलप होती है, उस इंटेलिजेंस को डेवलप करके हम आगे क्या यूज करते हैं, कौन सी एबिलिटीज हमारे अंदर उजागर होती हैं एक्सेट्रा. So the thing is जो theories of intelligence थी वो दो approaches पे बनाई गई थी. One is the psychometric approach and one is the information processing approach. Fine. Psychometric, as the name suggests, it is the study that deals with the concept and theory of psychological attributes जो कि हम apply कर रहे हैं, जैसे कि आपकी mental abilities हैं, जैसे knowledge है आपकी, आपकी learning ability है, आप understand क्या कर रहे हैं वो एक ability है. तो उस approach को, उस मतलब उस study, इन सब studies करना, इन सब mental abilities को study करना इस psychometric. Basically ये structural है कि आपके mind, आपका mind जहाँ apply किया तो उस वो जो ability बनी आपकी, उससे आप क्या एक्ट कर रहे हैं, क्या आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं बेसिकली. तो उस पे वो ज्यादा एम्फसाइज करती है साइकोमेट्रिक अप्रोच. जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक प्रिंसिपल पर है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो एक्चुअली क्या करता है, वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को जो भी उसको मिलती है, और उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद वो कुछ नया प्रोडक्ट, नया आउटपुट रिजल्ट करता है जो कि हमारी एबिलिटीज के फॉर्म में हम हमारे सामने आता है. तो बेसिकली साइकोमेट्रिक्स स्टडी करता है कि परफॉर्मेंस क्या है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच स्टडी करती है इंटेलिजेंस को उस नजरिए से कि परफॉर्मेंस किसके बेसिस पर हो रही है, क्या थिंकिंग आपके अंदर हुई, कि क्या थॉट प्रोसेस आपके अंदर हुआ जिससे आपने ऐसा परफॉर्म किया. फाइन. So, अगर NCERT के पॉइंट्स देखे जाएं तो साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज एंड इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. वही जो आप अंडरस्टैंड करें, आप लर्न करें, आप मेमोराइज करें एटसेट्रा. इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशंस, कि इंटेलिजेंस आप किस तरह से स्ट्रक्चर, जैसे आपका इंटेलिजेंस को आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया कि आपने अपना माइंड यूज करके आपने कुछ मेमोराइज किया. राइट. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई मीन क्या थॉट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, द यूज ऑफ, फाइन, द यूज इन द प्रोसेसेस पीपल यूज इन, फाइन, दैट इज बेसिकली द थॉट प्रोसेस. नेक्स्ट इज द इट फोकसेस, द फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स, फाइन, दिस इज the performance, what the person was acting, and this is how the person is acting. I mean, on what basis the person is acting. Next is it emphasizes studying cognitive functions underlying intelligence behavior. That is basically our thought process. Fine. So on the basis of these two approaches, that is psychometric and information processing approach, these theories were actually created. Or these theories were put forward by these respective researchers. और जो भी ये बहुत सारे researchers हुए, जैसे कि psychometric approach में Alfred Binet की uni और one factor theory of intelligence हुई. Charles Spearman ने two factor theory दी. Lewis Thurstone ने theory of primary mental abilities दिया. Arthur Jensen ने hierarchical model of intelligence को put forward किया. J.P. Guilford ने एक structure of intellect model बनाया on the basis of psychometric. Right. Next is information processing. इसमें Howard Gardner ने multiple intelligence की एक theory दी. Robert Sternberg ने triarchic theory of intelligence दिया, और एक planning, attention, arousal and simultaneous successive model of intelligence दिया. Three scientists हुए थे, उन तीनों ने मिलकर ये model दिया. That is based on information processing. फाइन. सो हम एक एक करके एक बार इस साइकोमेट्रिक का एक इंसाइट ले लेते हैं, उसके बाद विल गो ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. फाइन. इतना हमने पढ़ लिया. आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. और मीनवाइल आई वुड लाइक कि पहले वाले चैप्टर्स में से जो पहले वाले हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कोई भी एक एग्जाम्पल, मीनवाइल जब तक हम कंप्लीट करते हैं अपना, कोई भी एक एग्जाम्पल सिचुएशनिज्म पे मुझे दीजिए कि सिचुएशन किस तरह से आपके माइंड को बिहेवियर करते हैं. जब ये चैप्टर I mean खत्म हो जाएगा उसके बाद प्लीज कमेंट कीजिएगा इसमें. आई विल चेक कि आपको I mean यू पीपल आर रिटेनिंग और नॉट. थैंक यू. फाइन. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट साइकोमेट्रिक बेस्ड अप्रोच थ्योरी, दैट इज अल्फ्रेड बिनेट्स यूनी और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इनका हम एक क्विक जस्ट लेंगे. फाइन. तो इन्होंने क्या कहा, इट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस इज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज which can be used of solving any or every problem in individual environment. इन्होंने ये कहा कि एक इंटेलिजेंस जो है किसी भी इंसान में एक बहुत सारी सेट ऑफ एबिलिटीज हैं जो कि मतलब वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज सभी इंसानों में है जो कि यूज की जा सकती है कोई भी एक या बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूज करने में, जैसे भी एक इंडिविजुअल को एनवायरमेंट दिया जाए. मतलब दैट इज ये एक सेट ऑफ एबिलिटीज हर कोई पोजेस करता है, लेकिन इट डिफरेंशिएटेड. इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी के बेसिस पे मोर इंटेलिजेंट को लेस इंटेलिजेंट से डिफरेंशिएट किया कि किस तरह से एक जो ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है वो अपनी सेट ऑफ एबिलिटीज को यूज कर रहा है देन लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, इस तरह से किया. लेकिन ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड थ्योरी थी, और जब उन्होंने ये एनालाइज करने लगे सारे रिसर्चर्स अपने किसी डेटा को, तब कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आए. फाइन. उसके बाद फिर बनाई गई आपकी चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी. अब चार्ल्स स्पीयरमैन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने यूज किया एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि फैक्टर एनालिसिस बोला उन्होंने. उन्होंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस है दैट कंसिस्ट्स ऑफ जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही है. अब इंटेलिजेंस भी एक टाइप से एक एट्रीब्यूट है, एक डोमेन है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का. तो जनरल फैक्टर बेसिकली क्या था, इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस व्हिच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस. फाइन. एक जनरल फैक्टर है जो कि सभी के अंदर है, कोई मेंटल ऑपरेशन जो कि प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस. जैसे कि आपको कुछ मेमोराइज करना है, हर कोई व्यक्ति याद कर लेता है कुछ भी, आपको से आपको कोई पैराग्राफ या कोई चैप्टर याद करने को बोला, वो कोई भी याद कर लेगा. मतलब उसके अंदर मेमोराइज करने की एक एबिलिटी है, मेमोराइजिंग इज अ एबिलिटी. फाइन. इन एडिशन टू जी फैक्टर ही सेड देयर आर आल्सो मेनी स्पेसिफिक एबिलिटीज व्हिच अलाउ एन इंडिविजुअल टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. अब फाइन, अब कोई एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एक थोड़ा लेस इंटेलिजेंट. अब एक क्लास में ही आप एक ग्रुप में देख लीजिए, कोई बहुत एक्सेल करता है, आई मीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन कोई 3 स्टूडेंट्स की आती है, या कोई टाई होते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई 3 स्टूडेंट्स ही आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे आ पाते हैं. बाकी सब मतलब जैसे कि क्लास है ऑफ 10 स्टूडेंट्स, उन 10 स्टूडेंट्स को सेम टीचर ने सेम मेथड से पढ़ाया, लेकिन किसने कितना परसीव किया, कितना लर्न किया, उसे अंडरस्टैंड करके उसकी एबिलिटीज को यूज करके कोई एक्सेल कर गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया, कोई मीडियोकर रह गया कि किसी के इतने इतने मार्क्स है, कोई पास कर गया. मतलब इस तरह तो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, स्पेसिफिक एबिलिटीज सॉरी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस फैक्टर. एंड जी फैक्टर तो सब में ही था कि सबने पढ़ा, सबने समझा, सबने परसीव किया, लेकिन उसको यूज करके किस तरह से अपने आंसर्स अच्छे से रख के, अपना अच्छी मेमोराइज स्किल्स करके अपनी पोजिशन कुछ बनाई. तो दे हैड सम स्पेसिफिक एबिलिटीज. तो इन्होंने इस तरह से कहा कि इस तरह से लोग इंटेलिजेंस को यूज करते. फाइन. नेक्स्ट इज लुइस थर्स्टोन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. उन्होंने कहा, लुइस थर्स्टोन कहते हैं दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज, ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस जो हम दिखाते हैं कि हम कितने समझदार, कितना चीजों को समझ रहे हैं, वो टोटल हमारी 7 एबिलिटीज है. और वो 7 एबिलिटीज क्या हैं? वर्बल एबिलिटी, फाइन, नेक्स्ट इज न्यूमेरिक एबिलिटी, नेक्स्ट इज स्पेटियल रिलेशंस, नेक्स्ट इज परसेप्चुअल स्पीड, नेक्स्ट इज वर्ड फ्लुएंसी, एंड लास्ट इज मेमोरी. फाइन. तो वर्बल एबिलिटी क्या है हमारी? कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हम कितना ग्रास्प करते हैं मीनिंग ऑफ, ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इज आवर वर्बल एबिलिटी. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एज द नेम सजेस्ट्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स. दीज ऑल एबिलिटीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसा मीनिंग बोला गया. थर्ड इज स्पेटियल रिलेशंस, दैट इज विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स. स्पेटियल रिलेशंस आपने कभी कुछ एग्जाम्स देखे होंगे रीजनिंग एबिलिटी वगैरह के, उसमें आपने देखा होगा कुछ पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है. जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे दी, कोई सीरीज दे दी, या फिर कोई कुछ ड्राइंग्स कुछ इस तरह से दे दी और आपसे पूछे इसमें नेक्स्ट क्या, तो यू स्टडी द पैटर्न, तो वो एक स्पेटियल रिलेशन का आपका एग्जाम्पल है, एक एबिलिटी का एग्जाम्पल, हाउ यू यूज दैट स्पेटियल रिलेशन एबिलिटी. नेक्स्ट इज परसेप्चुअल स्पीड, दैट इज स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स. आपने आपके सामने सिचुएशन दी, आपने कितनी जल्दी उसको ग्रास्प किया, आपकी क्या स्पीड थी उस सिचुएशन को समझने की, परसीव करने की. Next is the word fluency, that is using words fluently and flexibly. As the name suggests, the term is self-explanatory. Next is memory. This is accuracy in recalling information and the last is the inductive reasoning. Sorry, in दोनों में ये एक ही box में आ गए. Next is inductive reasoning. It is the deriving general rules from the presented facts. Like आपको कोई 3-4 facts दे दिया, आपने उसमें से एक pattern चुना. Fine. So these are the 7 primary abilities जो कि intelligence consists of, ऐसा इन्होंने Lewis Thurstone ने बोला. So this is verbal, numerical abilities, spatial relations, perceptual speed, word fluency, memory and inductive reasoning. Fine. So हमने अभी तक 3 theories कर ली हैं. एक तो Binet की unifactor theory, next is Charles Spearman's 2-factor theory. And this is Lewis Thurstone's theory. Next is Arthur Jensen's hierarchical model of intelligence. Arthur Jensen ने ये बोला कि intelligence जो होता है उसकी जो intelligence को use करने के लिए जो abilities होती हैं वो 2 levels पे perform करती हैं. That is level 1 and level 2. Level 1 उन्होंने बोला is associative learning, जिसमें output is more or less similar to the input. ये level 1 का आप use कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस को. इन्होंने एग्जांपल दिया रोट लर्निंग एंड मेमोरी, आप किसी चीज को मतलब याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं. Level 2 इज कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब इट इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस इफेक्टिव आउटपुट. फाइन. अब जैसे लेवल 1 पे आपको कोई पैराग्राफ दिया या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको वैक्सीन स्टडी बताई गई कि वैक्सीन की ये इस तरह से वैक्सीन बनती है, वैक्सीन का प्रोसेस समझाया गया. यू मेमोराइज दैट, वो मेमोराइज किया आपने पूरा प्रोसेस और उसको अच्छे से याद कर लिया, जैसे कंठस्थ कर लिया आपने. यू हैव द नॉलेज कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया. लेवल 2 में क्या किया उन्होंने, हायर ऑर्डर स्किल्स किए कि उन्होंने वैक्सीन तो पढ़ा ही था कि कैसे कैसे करना, दे अप्लाइड इट. उन्होंने किसी कोई वैक्सीन नहीं बनाई, उस एप्लीकेशन को यूज करके एक इफेक्टिव आउटपुट आया. You just did not limit yourself to just learning, but you implemented it into an action. ये आपने vaccine बना दी. ये एक high level का example. I am just telling कि level 1 and level 2 को use करके intelligence मतलब इस तरह का इन्होंने hierarchical model of intelligence दिया कि level 1 और level 2 ये होते हैं. Fine. Now next is our J.P. Guilford structure of intellect model. अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल था, इंटेलेक्ट मॉडल था, जेपी गिल्फोर्ड ने क्या किया, इट क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स इनटू 3 डायमेंशंस. उन्होंने ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. फाइन. अब से उन्होंने क्या किया, जो जेपी गिल्फोर्ड थे उनका जो प्राइमरी फोकस ऑफ रिसर्च जो था ना, वो चाहते थे कि सिर्फ इंटेलिजेंस हो. उनको ये लगा कि मतलब इंटेलिजेंस के साथ साथ जो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं उसकी, जैसे क्रिएटिविटी होती है, तो मतलब उनको ये लगा कि सभी ने सिर्फ इंटेलिजेंस पे ही किया, लेकिन उसके जो आगे पीछे स्पेशल और एबिलिटीज होती हैं उन एबिलिटीज को किसी और ने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया. तो जेपी गिल्फोर्ड ना एक अपना इंटेलेक्ट मॉडल लेकर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जो हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स क्या हो गए, जो हम इंटेलिजेंस को यूज करके इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने माइंड से याद कर रहे हैं, जैसे मेमोराइज कर रहे हैं, कॉग्निटिव जो चीजें होती हैं, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, देख के हम कुछ समझ रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, इस तरह की जो हमारे ट्रेड्स होते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, वो उन्होंने 3 डायमेंशंस में बांट दिए. दैट इज ऑपरेशन, दैट इज कंटेंट और प्रोडक्ट्स. फाइन. तो इन्होंने ये 3 डायमेंशंस एस्टैब्लिश कर दी. ऑपरेशंस में कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन इंक्लूड किया. टोटल 5 इन्होंने ऑपरेशंस में 5 ट्रेट्स यूज किए अपने. कंटेंट में इन्होंने विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर यूज किया, इसमें भी इन्होंने ऑलमोस्ट 5 किए. प्रोडक्ट्स में इन्होंने यूनिट्स, फिर प्रोडक्ट्स में इन्होंने यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा इनके ऊपर, ये कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या ट्रेड्स यूज किए, कैसे कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया। फाइन, सो जो ऑपरेशन डायमेंशन, ऑपरेशन से पहले हम कंटेंट पढ़ते हैं, जो कंटेंट डायमेंशन उन्होंने बोला, तो उस कंटेंट डायमेंशन में इन्होंने फिगुरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल ट्रेड्स लिए। अब फिगुरल बिहेवियर, फिगुरल ट्रेड्स क्या हैं आपके? इंफॉर्मेशन दैट इज नॉन वर्बल और पिक्टोरियल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑडिटरी एंड विजुअल। ऑडिटरी जो आप सुनते हैं, विजुअल मतलब इंफॉर्मेशन जो आप देखकर परसीव करते हैं आपका माइंड। सिंबॉलिक इज इंफॉर्मेशन परसीव्ड एज सिंबल्स और साइंस दैट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स, फॉर एग्जांपल अरेबिक न्यूमरल्स और लेटर्स, ये जो सिंबल्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल। Next is semantic, that is information perceived in words and sentences, whether oral, written or silently in one's mind, perceived in words and sentences. Fine. Next is behavioral, information perceived as act of individuals. ये content dimension में इन्होंने ये वाले traits लिए, ठीक है। Traits मतलब आपका mind जो देखकर आप प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन आप एनवायरमेंट से ले रहे हो वो प्रोसेस करता है और फिर एक कुछ एबिलिटी आपकी आगे आती है, उस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं हम। राइट, नेक्स्ट इज ऑपरेशन मॉडल। ऑपरेशन में उन्होंने कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवेल्युएशन यूज किया। बेसिकली ये 5 ट्रेड्स उन्होंने यूज किए। कॉग्निशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, डिस्कवर एंड बिकम अवेयर। Fine. These are all self-explanatory. मैं बस आपको एक just दे रही हूँ, एक insight दे रही हूँ। Fine. Next is the memory, the ability to encode information and recall information, जो कि आगे और भी divide कर सकते थे, memory recording and memory retention। बस आप ये देखिएगा कि ये जो dimensions में traits लिए जा रहे हैं, ये सब किस तरह उन्होंने आगे अपना जो model बनाया है वो कैसे बनाया वो अभी हम देखेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए ये traits उन्होंने लिए। Divergent production, the process of generating multiple solutions to a problem. Convergent production is process of deducing a single solution to a problem. Evaluation is the process of judging whether an answer is accurate, consistent or valid. तो ये operation में उन्होंने traits लिए। Operation हो गया, content हो गया। Next is product dimension. तो product, अब ये जो सब चीजें हैं इन्होंने एक आगे एक जो model बनाया ना उसमें use हो रही हैं। Fine. तो यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन, ये सब, जैसे यूनिट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अब आप इसको इस तरह से डिवाइड कीजिए कि इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसको किस किस तरह से डिवाइड किया उन्होंने। क्लास इज अ सेट ऑफ आइटम्स दैट शेयर सम एट्रीब्यूट्स, सम सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तभी वो क्लास बना। रिलेशन इज रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन बिटवीन आइटम्स और वेरिएबल्स, मे बी लिंक्ड एज ऑपोजिट्स और इन एसोसिएशन, जैसे एनालॉजी, होमोलॉजी एंड ऑल होती है। सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स और नेटवर्क्स विद इंटरैक्टिंग पार्ट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन दैट द चेंजेस, पर्सपेक्टिव्स, कन्वर्जन्स और म्यूटेशंस टू नॉलेज सच एज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर इन वर्ड्स, कि ये एक एट्रीब्यूट, एक ये ट्रेट है इंसान का कि अगर आप जंबल वर्ड्स कर देते हैं तो उसमें से आपको बोला जाता है कि एक वर्ड आपको इसको बनाना है, तो मतलब आप जंबल करते हैं, उससे कुछ कुछ वर्ड्स बनाते हैं, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको कितना समझ रहे हैं। इम्प्लीकेशन इज प्रेडिक्शंस, इन्फ्लुएंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और एंटिसिपेशंस ऑफ नॉलेज। फाइन, ये सारे ट्रेड्स लिए उन्होंने, ठीक है। तो ये सब ट्रेड्स कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट को यूज करके उन्होंने एक मॉडल बनाया, एक मैट्रिक्स टाइप चीज बनाई उन्होंने, गिलफोर्ड जी ने। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की जो क्लासेस थी, ऑपरेशन की जो ट्रेड्स थी मतलब डिविजन थी, और कंटेंट की जो डिविजन थी, उन्होंने ये सारे मैट्रिक्स बना लिए। और इन्होंने क्या किया, इन सारी ट्रेड्स, वो यही कह रहे थे कि ये जो सारे इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हैं इन सबको कंबाइन कर कर एक न्यू स्पेसिफिक एबिलिटी क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, He applied particular operation, जो ये ऑपरेशन था आपका, जैसे इवेल्युएट करना, कन्वर्जेंट, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सारे आपके ऑपरेशन से, he applied the particular operation to a specific content, fine, to create a new product. ठीक है, अब जैसे मेमोरी है या फिर आपका कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब आपने देख के उसे समझा, तो आपका कॉग्निशन को उन्होंने फॉर इंस्टेंस फिगुरल में एक कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब कॉग्निशन को फिगुरल आपका जो ट्रेड था उसके साथ कंबाइन किया और उससे उन्होंने एक से फॉर इंस्टेंस कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन या नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करने की एक एबिलिटी बनाई. फाइन, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फिगुरल यूनिट्स. फाइन, तो कॉम्प्रीहेंशन एक एबिलिटी थी, फिगुरल यूनिट, फिगुरल को एक स्टडी करना एक अलग आपका ट्रेड था, इंटेलेक्चुअल ट्रेड, और यूनिट्स जो कि बहुत सारी ऐसी एक सेम जो यूनिट्स हों, सेम चीजें हों, उनको स्टडी करना, इन दोनों कॉम्प्रीहेंशन और फिगुरल ट्रेड्स को यूज करके. तो एक नई स्पेसिफिक एबिलिटी बताई उन्होंने कि इन एबिलिटीज के अलावा एक नई, इन एबिलिटीज को यूज करके एक स्पेसिफिक नई एबिलिटी इंटेलिजेंस यूज करता है अपनी एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए. आई मीन थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताया. So I hope this is all with the structure of intellect, J.P. Guilford structure of intellect. इसके जो भी points हैं ये सब कुछ NCERT में well versed हैं. ये I think matrix नहीं बताई, मैंने just आपको थोड़ा सा समझाने के लिए use कर दिया. Otherwise आपको बस यही ध्यान रखना है कि इन्होंने तीन intelligence को तीन traits में, जो intellectual traits होते हैं उसको तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कंटेंट, प्रोडक्ट एंड आपका ऑपरेशंस, और उनको यूज करके उन्होंने नई स्पेसिफिक एबिलिटीज को क्रिएट किया. ही डेवलप्ड द सिस्टम जिसमें न्यू मेंटल एबिलिटी, जो आपकी ऑलरेडी परसिस्टिंग एबिलिटीज होती हैं, उन सबको कंबाइन करके एक न्यू एबिलिटी कैसे बनती है उसको इन्होंने बोला इंटेलिजेंस. फाइन. So this was our last psychometric, the theory using psychometric approach. अब हम next जाएंगे जो theories use करती हैं आपका information processing approach. Fine. So सबसे पहले आती है Howard Gardner's theory of multiple intelligences. Fine. तो Howard Gardner क्या कहते हैं कि multiple intelligence, जैसे आप देख ही सकते हैं, कहते कि intelligence कोई एक unit नहीं है अकेली, कि एक intelligence को आप मान, इंटेलिजेंस किससे क्रिएट होती है. तो उन्होंने बोला कि डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच. ये कुछ उनकी तरह है, जैसे उन्होंने बोला था कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं, उसी तरह इन्होंने ये कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का यूज किया, थ्योरी बनाई. बट वो थ्योरी जो थी वो थी आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच पे, ये थ्योरी आपकी इंफॉर्मेशन अप्रोच. तो इन्होंने बोला लॉजिकल, विजुअल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसेस होती हैं किसी इंसान में. तो ये क्या क्या होती हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. थोड़ा सा एक्सप्लेन, एक मतलब जस्ट ले लेते हैं. लिंग्विस्टिक उन्होंने बोला द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस एंड टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज. फाइन, हाउ यू आर यूजिंग द लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स. पीपल हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंट आर वर्ड स्मार्ट. They are sensitive to the shades of word meanings and they can articulate well. मतलब अपना अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से, क्योंकि आप fluently बोल सकते हैं. जैसे कि बहुत बड़े जो orators हुए, जो बहुत बड़े poets, इन्होंने poets and writers बोले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक ये sorry this is linguistic, ये वाली जो आपकी linguistic intelligence है ये सबसे ज्यादा है comparatively दूसरी intelligences. Fine. अब नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल, जैसे कि एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. इन्होंने बोला साइंटिस्ट, रिसर्चर जो होते हैं उनके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज स्पेटियल, द एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस, जैसे पैटर्न्स हमने पढ़ना था वैसे. बेसिकली जो आई थिंक आपके स्पेटियल में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट बेसिकली जो लोग होते हैं उनमें स्पेटियल जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज म्यूजिकल, एज द नेम सजेस्ट दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स. म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स होते हैं दे आर हाई with this intelligence. They are high on this. High on in means they are having high percentage of this type of intellectual trait. Bodily kinesthetic, ability to use whole portions of body flexibly and creatively. As the name suggests, जो sports persons हैं, dancers हैं, actors हैं, they are likely to have such kind of intelligence more. अब interpersonal है, ability to understand to subtle aspects of other behavior. तो मतलब किसी का behavior study कर सकते हैं interpersonal, मतलब interpersonal दो person के बीच, दो या दो से ज़्यादा person के बीच में study करें. As the name, these are all self, the terms are self-explanatory. So you'll be able to memorize these or learn these all intelligences really well. So ये type of किसमें होते हैं? Psychologists and counselors में, politicians में, social workers में, because they are, this is concerned with the I mean the understanding of others' behavior, सामने वाले का जो behavior. Next is intrapersonal, an ability to understand one's own feelings. इंट्रा मतलब खुद से, अपने अंदर, फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स. बेसिकली फिलोसोफर्स में और स्पिरिचुअल लीडर्स में इस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है. अब नेचुरलिस्टिक देखी जाए तो इट इज एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. जो आपके नेचर लवर्स होते हैं, जो आपके बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, जो कि नेचर से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, वो उनमें ये नेचुरलिस्टिक एबिलिटी ज्यादा होती है. तो अगर हम एक एक एग्जाम्पल अगर इसका देखें, फॉर इंस्टांस आप रिलेट कर सकते हैं. अगर आपसे बोला लिंग्विस्टिक एबिलिटी, इंटेलिजेंस ज़्यादा किस में हो, इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो गुड पोइट, अगर इंडियन उनको देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे पोइट्स हुए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए. लॉजिकल मैथमेटिकल देखा जाए तो हमारे कोई भी साइंटिस्ट देख लीजिए, जैसे C.V. रमन हैं, मिस्टर A.P.J. अब्दुल कलाम हैं. स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं, जिसमें से आप M.F. हुसैन को देख लीजिए, या फिर अमृता सेन करके भी हुए हैं. मतलब बहुत सारे जो भी इंडिया के पेंटर्स हैं. नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो म्यूजिकल में तो बहुत सारे हैं, लता मंगेशकर हैं, जितने भी म्यूजिशियंस और वो सब हैं. कोई भी एक काइनेटिक उसमें अगर एग्जाम्पल देना है तो आप किसी भी एथलीट का, कोई भी स्पोर्ट्स में से किसी भी उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. धोनी है, या फिर हॉकी में कोई है, या फुटबॉल में कोई है. इंटरपर्सनल में आप कोई भी मेन साइकोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं. इंडिया में तो बहुत पॉलिटिशियंस हैं. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल, किसी भी फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर्स हैं. रामदेव जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि अपनी हेल्थ को वो रखकर, और भी कोई स्पिरिचुअल लीडर्स हैं आपके. नेचुरलिस्टिक में आप किन्हीं भी रिसर्चर के नाम ले सकते हैं, जैसे हरगोविंद सिंह खुराना है, जो कि बहुत फेमस बॉटनिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है फ्लोरा पे बेसिकली, एटसेट्रा. ये एक एक मैंने एग्जाम्पल दिया इंडियन एग्जाम्पल में से. इंडियंस जो भी इन इंटेलिजेंस में उभर के आए हैं. तो आपको मैं ये बोलूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी इन सारी जो आपकी 7-8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, इनका प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए. Thank you. Next is our triarchic theory of intelligence. Triarchic theory of intelligence में क्या बनाया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी है, और उन्होंने बोला है, स्टर्नबर्ग views intelligence as the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goals and those to one's society and culture. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ही था, इसको आप definitions में भी यूज कर सकते हैं, जो ऑक्सफोर्ड की, जो वेस्टलर ने और जो भी साइंटिस्ट ने दी थी, उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हैं. क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटेलिजेंस डिफाइन कीजिए, हाउ डू यू डिफाइन इंटेलिजेंस. तो उसमें जो 5-6 पॉइंट्स बनेंगे, उसमें आप स्टर्नबर्ग का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, दैट इज कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल. अब ये क्या है? कॉम्पोनेंशियल को उन्होंने बोला है कि it is the analysis of information to solve problems. Persons high on this ability think analytically and critically to succeed in schools. और ये componential है intelligence. मतलब analyze आप कैसे करके, इन्होंने बोला कि you can use this, person high on this ability think analytically and critically. मतलब analysis करने की जो intelligence use हो रही है, that is componential intelligence. ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इसके भी उन्होंने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया कि 3 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं कमर्शियल के। फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जिसमें दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। सेकंड इज मीटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट which involves planning concerning what to do and how to do. Fine. The third is performance component that involves actually doing things. वही चीज हो गई कि आपने first knowledge acquisition component से पहले सीखी चीजें, second अपनी थोड़ा higher order जैसे level 1 and level 2 था, उनको इन्होंने लेकिन 3 parts में divide किया। उन्होंने ये बोला कि इन 3 parts फिर जैसे knowledge आप acquire कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस तरह से प्लान करते हैं कि कैसे करना है और क्या करना है, और थर्ड में आप एक्चुअली काम करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज आवर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ये एक्सपीरियंशियल एज द नेम सजेस्ट दैट इज इन्वॉल्विंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम्स, तो वो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस। Persons high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions. They quickly find out which information is crucial in a given situation. मतलब आपके पास बहुत सारा, वो कहते हैं ना कि experience counts, experience बहुत। अब जैसे आप किसी कंपनी में भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं आपको इतने टाइम का तो एक्सपीरियंस है नहीं, या फिर आपको इतने टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस से क्या होता है? एक्सपीरियंस से यही होता है कि आपको पता लग जाता है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे साथ आएगी तो आपको उसको सॉल्व करने का कहीं ना कहीं आपके पास यू विल बी हैविंग एन आइडिया और सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। राइट, तो दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज आवर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। फाइन, एज द नेम सजेस्ट इट इज द कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। It is called street smartness or business sense. Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one to modify the environment to fit to their needs. Therefore, they turn out to be successful in life. तो वो यही वो practical intelligence को कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे for instance कि एक ही problem मतलब उनके पास एक प्रॉब्लम आई हुई है और वो एक गोल की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। फाइन, उनको ये लगा है मेरे को किसी भी तरह ये गोल हासिल करना है, उन्होंने बहुत सारा टाइम उस पर इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो गोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिनके पास कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है वो ये क्या करेंगे, वो आगे तो बढ़ेंगे, उस गोल तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो देखेंगे कि हमने इतना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर दिया, इतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन हम अभी तक गोल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, They easily adapt to their present environment. वो या तो कहेंगे कि हम इसको छोड़ के कुछ और करते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं होता तो they select a more favorable environment than the existing one कि ये भी नहीं हो रहा है, और modify the environment to fit to their needs. तो वे सोचेंगे कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं इस जगह की जगह इस जगह से चला जाता हूँ, और मे बी इस तरह से हो सकता है कि क्या पता वो गोल उनको इतना सूट ना करे, वो गोल चेंज कर दें, मतलब उस तरह मतलब लेकिन उनकी नीड्स पूरी करे, वो जो न्यू गोल वो सेलेक्ट करें लेकिन वो गोल उनकी नीड्स को पूरी करे। बेसिक जो एक फंडा होता है वो नीड्स या फिर कुछ एकम्प्लिश करना होता है, तो उस गोल के थ्रू नहीं तो उस गोल के थ्रू वो एकम्प्लिश कर लेते हैं। प्रैक्टिकली वो सोचते हैं चलो ये काम नहीं करें, लेट्स मूव ऑन, और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेलेक्ट करते हैं, कुछ और चूज करते हैं। तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस एक्सेट्रा जो इन्होंने बताया। Fine. So this was the triarchic जो आपकी theory थी of intelligence। इन्होंने यही बताया contextual, sub theory, experiential and componential, और इस तरह से componential को जैसे हमने 3 उसमें divide किया था, knowledge acquisition, performance components and meta components। Fine. So ये एक just एक presentation है, you can learn this। Fine. Next is the PASS model of intelligence. PASS model is planning, attention, arousal, and simultaneous successive model. This model was developed by जो मेरे को 3 नाम याद नहीं आ रहे थे, they were J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby। इन्होंने 1994 में ये बनाया है। इन्होंने कहा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंगली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स called the functional units of brain. Fine. And these units are responsible, जो neurological आपके system है अंदर, जो जिसकी वजह से आपकी intelligence आ रही है, mind के जो parts हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो nervous system है आपका neurological system जिसकी वजह से intelligence आ रही है, वो क्या करते हैं? They are responsible for arousal and attention, coding or processing and planning respectively. जो अलग अलग systems है, जो तीन अलग अलग systems हैं वो ये सब कर रहे हैं. एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अराउजल एंड अटेंशन आ रहा है, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कोडिंग एंड प्रोसेसिंग कर रहा है और एक फाइनली प्लानिंग कर रहा है. फाइन, लेट्स गेट अ जिस्ट ऑफ इट. इन्होंने बोला अराउजल एंड अटेंशन जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ला रहा है, द स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स इन अटेंडिंग टू अ स्टिमुलस. Arousal and attention enable a person to process information. An optimal level of arousal focuses our attention to relevant aspects of the problem. अब जैसे कि आपको प्यास लगी, for instance, आपको प्यास लगी, आपके mind ने आपको direct किया, एक टाइप से arousal किया आपके अंदर कि आपको पानी पीना है. Fine. Next neurological system क्या कर रहा है? Simultaneous and successive processing. Simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them to a meaningful pattern and comprehension. Successive processing takes place when you remember all the information serially, so that the recall of one leads to the recall of another. Just learning of digits, alphabets, multiplication tables, etc. are examples of successive processing. Fine. अब आपका जब मतलब आप उस प्रॉब्लम के लिए जब माइंड आपका अराउजल कर चुका होता है आपका, फिर एक ही साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है जिससे कि आप आगे एक सोल्यूशन पे पहुंच पाते हैं या आप जो बिहेवियर आपका होता है उस तक पहुंच पाते हैं. फिर आती है आपका थर्ड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है प्लानिंग करता है आपकी. इट्स एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस. आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड एंड प्रोसेस्ड, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड. It allows us to think the possible courses of action, implement them to reach a target, and evaluate their effectiveness. If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of the task, the situation. Fine. तो अब जैसे आपको प्यास लगी, एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ने बोला आपको प्यास लग रही है, आपको अब उठकर पानी लेना पड़ेगा. सेकेंड, आपके माइंड ने आपको बोला कि अब हमें साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग करनी है. फाइन, आपने ये देखा कि हमें उठकर वहां से आपने अपना टारगेट बना लिया कि इधर से पानी का जो सोर्स है आपको वहां तक जाना पड़ेगा एंड ऑल. फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप पानी के सोर्स तक कैसे जा रहे हैं, आप प्लान मतलब कहाँ से पानी लेंगे, आप एक पॉट से पानी लेंगे, आप रेफ्रिजरेटर से पानी लेंगे, एक्सेट्रा. और फिर एंड में जाके आप पानी पी ले. ये एक बहुत ही सिंपल, एक लेमन की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था. ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप जैसे इसमें बोला, फॉर एग्जाम्पल टू टेक द टेस्ट शेड्यूल बाय योर टीचर यू हैव टू सेट गोल्स, प्लान अ टाइम शेड्यूल ऑफ स्टडी, गेट क्लैरिफिकेशंस इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टैकल द चैप्टर्स असाइन्ड फॉर द टेस्ट यू मे हैव टू थिंक ऑफ द अदर वेज. जैसे कि प्लानिंग आपने और कुछ करनी होगी, जैसे टाइम और देना है, स्टडी करनी है, अपने फ्रेंड से नोट्स अच्छे बनाने हैं या क्या क्या करना है टू मीट योर गोल्स. फाइन, तो एक प्रॉब्लम थी जो टीचर एक टेस्ट देने वाला था आपको, और तो उसके लिए आपने क्या क्या पास मॉडल को यूज करके प्लानिंग की. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. फाइन, सो दिस वॉज आवर पास मॉडल. लेकिन पास मॉडल ने क्या किया, पास थ्योरी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक ये थियोरिटिकल फ्रेमवर्क दे रहा है. मतलब जैसे कि उन्होंने बोला इट कंसिस्ट्स ऑफ वर्बल, द पास थ्योरी प्रोवाइड्स अ थियोरिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. जो ये थियोरिटिकल फ्रेमवर्क दिया उसने, जैसे कि आप प्लानिंग, आप जो अराउजल हो रहा है, उसके बाद आपका सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आपकी प्लानिंग हो रही है. तो इसके लिए इन्होंने एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपकी इंटेलिजेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट दिया आपको, दैट इज CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ वर्बल एज वेल नॉन वर्बल टास्क दैट मेजर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस. कॉग्निटिव फंक्शंस जो बेसिक होते हैं उनको मेजर कर सके, that are presumed to be independent of schooling. मतलब सिर्फ स्कूल वाला पार्ट नहीं देखें कि बंदा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, उसके अलावा स्कूलिंग के अलावा जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनको. So the battery of test is meant for individuals between 5 and 18 years of age. एक CAS जो था बेसिकली टेस्ट का कलेक्शन था जिसमें बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को प्रिज्यूम किया जा सकता है. The results of assessment can be used to remedy cognitive deficits of children with learning problems. तो ये उसका एप्लीकेशन था या उसका यूटिलिटी था. Fine. So this is it guys. हमने आज इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ ली हैं. इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज दो अप्रोचेस पे बनी थी, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे. साइकोमेट्रिक में 4-5 थ्योरीज थी, 3 थ्योरीज आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में थी. तो बेसिकली ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस काफी पूछा जाता है. सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू यू. आप ये सारी चीजें देकर, इसे एग्जाम्पल लेकर आप एक फॉर्मूले, एक नई एक नया आंसर पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं इंटेलिजेंस के लिए. सेकेंड बेस में आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है और जो आपकी पास मॉडल है ये काफी पूछा जाता है और आप इसको अच्छे से पढ़ें. और जो साइकोमेट्रिक बेस्ड अप्रोचेस थी उनको भी एक जस्ट ले लें. इसमें वेल मतलब एनसीईआरटी में जो जो कंटेंट दिया है वो वेल प्रेजेंट किया गया है. आप इसकी हेल्प इजीली ले सकते हैं और अच्छे से आप इसको स्टडी कीजिए बिकॉज इवेंचुअली आपको जब आंसर प्रेजेंट करना है, आपका जो एग्जामिनर जब आंसर चेक करेगा तो दैट शुड हैव अ रेलिवेंट कंटेंट. जो भी आप लिख रहे हैं दैट शुड बी रेलिवेंट और एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं. मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर शुड बी such that the examiner is bound to give you marks. आप इतने अच्छे से प्रेजेंट कीजिए कि examiner आपको अच्छे से marks देने के लिए मजबूर हो जाए बस. Fine. So और psychology को मैं ये कहूँगी कि आप अपनी real life से connect करके examples देख के अगर उसको study करें कि अब जैसे एक हर एक मॉडल है आप उसको एक एक अपनी रियल लाइफ से आप उसको स्टडी करें तो आप इजिली रिलेट कर पाएंगे, इजिली मेमोराइज कर पाएंगे. So fine, that's all in our part 2 of chapter 1. तो हमारे इसके 2 सेशंस हो गए हैं और अब लास्ट सेशन होएगा इसका, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. सो आपको कुछ भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं SYA Academy और आगे भी इससे जुड़े रहिए और प्लीज लाइक एंड व्यूज बढ़ाते रहिए. प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ आए कि मुझे कहाँ इम्प्रोवाइज करना है और कहाँ आपको और समझाना है. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू अगेन.